हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सुचुन आरो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 18 सितंबर है और आज की कुछ खास खबरें जो सऊदी अरब की हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। मशरिकी रीजन में 34 साल सिबली सहरी और उसकी 30 साल रफीक हयात रफा सहरी के प्यार की कहानी अब हर किसी के जुबां पे है। इन दोनों की चाहत का चर्चा आम है। जानकारी के मुताबिक रफा सहरी की शादी 11 साल पहले हुई थी। 4 साल से गुर्दे की बीमारी में शामिल थी। वो हर वक्त अपने छोटे से बेटे के हाल और मुस्तकबिल को लेकर परेशान रहती थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी ज़िंदगी अब ज़्यादा अरसा वफा नहीं करेगी। शौहर को अपने बीवी के दर्द और बेटे के मुस्तकबिल को लेकर हमेशा परेशान रहता था। आखिरकार उसने किंग फहद अस्पताल से मिलकर कहा कि उसका एक गुर्दा उसकी बीवी को दे दिया जाए। बीवी को जब यह बात पता चली तो उसने गुर्दा लेने से साफ मना कर दिया। उसे डर था कहीं खुदा न खास्ता उसके शौहर की ज़िंदगी खतरे में न आ जाए। डॉक्टरों ने यह यकीन दिलाने के बाद कि तुम्हारे शौहर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ये इत्मीनान दिलाने के बाद तुम्हारा जिस्म पूरी तरह से गुर्दा ले रहा है, पूरा यकीन होने के बाद रफा ने तब जाके हामी भरी। ऑपरेशन कामयाब रहा। आप दोनों मियाँ बीबी एक बार फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। हुकूमत नेपाल ने सऊदी अरब में अपने कारकुन की महाना तनख्वाह कम से कम 1300 रियाल मुकर्रर कर दी। नेपाली कैबिनेट ने यह तय किया है कि सऊदी अरब में नेपाली कारकुन की कम से कम तनख्वाह 1300 रियाल होगी। इसमें खाने पीने के 300 रियाल शामिल होंगे। कैबिनेट ने यह फैसला नेपाल की वजारत मेहनत समाज की सिफारिश पर की है, तो जो मेरे दोस्त नेपाल के हैं उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि राहगीरों को हथियार के बल पर लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। दो लोगों का ये गिरोह था जिसमें एक की उम्र 30 साल और दूसरे की उम्र 23 साल थी। अल जजीरा अखबार के मुताबिक गिरफ्तार अफराद राहगीरों को लूटते उनसे नकदी और मोबाइल सेट और दूसरे सामान लेकर भाग जाते थे। दोनों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तहवील में दे दिया गया। जद्दा सिक्योरिटी अहलकार ने बताया है कि जनूबी इलाके के एक मोहल्ले में एक अमेरिकी शहरी अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। जराए का कहना है कि मौत तिब्बती मालूम होती है। हिलाल अहमर का कहना है कि अमेरिकी की उम्र 35 साल है। उसने जनूबी इलाके के मोहल्ले में कुछ वक्त पहले ही कमरा किराए पर लिया था। उसकी नास अस्पताल भिजा दी गई। पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई मुकम्मल करेगी। अलिस कमिश्नरी में इतवार को ट्रैफिक हादसे के दौरान एक रुस्तानी जांबाक और 7 जख्मी हो गए। अलिस महकमे तालीम ने जांबाक होने वालों के घर वालों से ताजियत का इजहार किया। जख्मी रुस्तानियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मस्जिदुल नबी शरीफ के पास एक शख्स ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मस्जिदुल नबी शरीफ के फोर्सन ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स नफ्सियाती मरीज था। उसके पास पिस्तौल थी जिससे वो फायरिंग कर रहा था। गिरफ्तार शख्स की उम्र 42 साल बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्स ने उसे मदीना मुनौरा की पुलिस के हवाले कर दिया। दम्माम में दूसरी क्लास का एक बच्चा स्कूल बस में सोते रह गया था। दम घुट जाने पर जान से हाथ धो बैठा। बस ड्राइवर ये चेक करना भूल गया था कि कोई बच्चा बस में बाकी तो नहीं रह गया। मशरिकी रीजन में महकमे तालीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नासिर अल सालान ने वजीर तालीम डॉक्टर अहमद अल ईसा की जानिब से बच्चे के वालदेन से इजहार ताजियत किया। एक मुकामी शहरी ने दावा किया है कि तारकिन वतन ने अल खसकिया और बाप शरीफ की दुकानें बंद हो जाने का ढोंग रचा था। दोनों बाजारों की दुकानें बंद नहीं हुई, सामान्य रूप से खुली हुई थी। दुकानें बंद हो जाने की जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई है वो एक धोखा है। ये वीडियो ऐसे वक्त में तैयार की गई जब दुकानें नमाज की वजह से बंद थी। जानकारी के मुताबिक मुकामी शहरी ने अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के लिए यह भी बताया कि जिस वक्त गैर मुल्की बाप शरीफ और खसकिया में दुकानें बंद होने की वीडियो तैयार कर रहे थे, मैं खुद जानबूझकर वहां खड़ा रहा था कि बाद में ये साबित कर सकूं ये वीडियो जाली है। मुकामी शहरी दुकानों पर काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से सऊदी जैसन के अमल को कामयाब बना रहे हैं। हरमैन ट्रेन का आगाज 13 मुहर्रम से किया जा रहा है। शुरुआती 2 महीने के किराए तय कर दिए गए हैं। मदीना मुनौरा से मक्का मुकरमा के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 75 रियाल जबकि जद्दा से मदीना मुनौरा के लिए 60 रियाल मुकर्रर कर दिया गया है। ट्रेन का बाकायदा आगाज जनवरी से किया जाएगा जिसके बाद हकमी किराया मुकर्रर किया जाएगा। मक्का मुकरमा से मदीना मुनौरा के लिए बिजनेस क्लास किराया 75 रियाल जबकि दो तरफ किराया 160 रियाल होगा। जद्दा से मदीना मुनौरा बिजनेस क्लास का किराया 75 रियाल जबकि दो तरफ 150 रियाल होगा। रोज़ 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनके वक्त सुबह 9 बजे, दूसरे का 10 बजे, तीसरी का दोपहर 1 बजे,
जबकि चौथी ट्रेन का वक़्त शाम 5 बजे होगा। नए नौजवान मुअज्जिन ने मस्जिदुल नबी शरीफ में पहली बार अजान देकर आपदीदा हो गए। इंतहाई जज्बात के आलम में उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे मस्जिदुल नबी शरीफ का मुअज्जिन बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये दुनिया और आखिरत के लिहाज से बड़ा सम्मान है। मस्जिदुल नबी शरीफ और मस्जिदुल हराम शरीफ के इंतजामिया ने हाल ही में नबी शरीफ के लिए 3 नौजवानों को मुअज्जिन के तौर पर तैनात किया है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पे जो भी मेरे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर देना। उससे क्या होगा, मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।